स्वागत है। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है राजकुमार शाह जी, बीजेपी से जो है एमपी हैं और एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं लोगों के दिलों में फतेहपुर सीकरी के। आपका स्वागत है सर। इस बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, राम जी ये सच कर दिखाएंगे? देखिए, भगवान श्री राम जी की कृपा भारतवासियों पे है और पूरी दुनिया के लोगों पे है, क्योंकि भगवान राम सभी की आस्था के केंद्र भी है। रही बात राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में, जो 2024 में बिल्कुल निकट आ ही गया है, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा जनमानस ने मन बना चुका है। तो मैं ये समझता हूँ, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में जो वातावरण है, जहां एक प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सब के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जब होने जा रहा है, तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे कह सकता हूं कि 80 की 80 सीटें तो इस बार हम जीतेंगे, ऐसा आम वातावरण जनमानस में भी है। 22 जनवरी बहुत बड़ा दिन, बहुत 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये बीजेपी, बीएचपी और साथ में आरएसएस का एक इवेंट है। ये 500 सालों का कोई इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, ये आप सभी मिलकर एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं, इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, राहुल गांधी जी के बयान अगर जब से वो राजनीति में आए हैं, तब से आप देखेंगे तो बड़े छिछोरेपन के बयान उन्होंने दिए हैं। मैं समझ नहीं पाता कि उनकी मनस्थिति आखिर है क्या। अगर वो भगवान राम पे भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, कभी वो राम सेतु पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते थे, और वो और उनका परिवार राम जी के प्रति जब उनकी ऐसी भावनाएं हैं, तो उनका तो भला कभी होने वाला है नहीं। उसका एक कारण है कि राहुल गांधी एक दिशा विहीन नेता साबित हुए हैं। उनकी कितनी बार भी लॉन्चिंग कांग्रेस पार्टी करे, वो एक परिवारवादी व्यवस्था से आते हैं, उनकी लॉन्चिंग बार बार फेल होती है, और आज कांग्रेस का जो चेहरा है और जो चरित्र है, जो लंबे समय से था, आपने देखा होगा कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद कितने अनगणित लोगों ने बलिदान दिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। उसका कारण है, कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राम जी का नाम लेते ही उनको लगता है कि कहीं एक वोट बैंक उनसे खिसक न जाए, तो वो तो कहते हैं कि आप इस बहाने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है और उसी को लेकर हम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना पर काम करती है, जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। विचारधारा की पार्टी है और वो एक परिवारवादी पार्टी है, तो परिवारवादी, उनको अपने परिवारों की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ परिवारों की चिंता है। लेकिन आपसे नाराजगी, बीजेपी से नाराजगी राम मंदिर को लेकर खास तौर पर सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, बहुत सारी पार्टियों की, पूरे विपक्ष को आप लोगों से शिकायत है, और पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि एक मुद्दा बनाकर बीजेपी 2024 में चलना चाहती है और हाईजैक कर लिया है राम को। देखिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो, ये देश का कौन बच्चा नहीं चाहता। आप 1990 का वातावरण देखिए और उससे पहले जाइए, संघर्ष को देखिए। राम भक्तों पर जब गोलियां चली, कोठारी बंधुओं को सहित कितने लोग शहीद हुए, और उससे पहले 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 बहुत लंबा समय, और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो रोल हमेशा रहा वो बड़ा नकारात्मक रहा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तो इन्होंने हमेशा एक नकारात्मक राजनीति की है, और जो भी अन्य राजनीतिक विपक्षी दल हैं कांग्रेस पार्टी के अलावा, अगर उनकी तरफ आप दृष्टि डालेंगे
देश का कोई एक दल बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो परिवारवाद के अंदर और भ्रष्टाचार के अंदर नहीं जुड़ा हो। उनको अपने परिवारवादी व्यवस्था की चिंता है, भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबे हुए हैं, और ये सारे मिलकर जो बेमेल गठबंधन है, जिसे मैं कह सकता हूं कि ये ठगबंधन है, ये मिलकर ये कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो मुझे लगता है कि देश के जनमानस ने मन बना लिया है, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनका न भगवान राम में इनकी कोई आस्था है, न राम मंदिर में इनकी कोई आस्था है। मैं तो सोच रहा था, क्योंकि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पर, तो आज हमें लगता है कि भाई क्या कांग्रेस, क्या कौन सा दल, राम जी के मंदिर का निर्माण 500 वर्ष के बाद भारत में, और उसके बाद भी आप जाने में और आने में आनाकानी कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों राम जी के दर्शन करने में डर लग रहा है। आपसे एक सवाल पूछना बहुत बनता है, कार सेवक के रूप में आपने भी अपनी सेवाएं दी थी, वो जो दौर आपने देखा और आज जो दौर है, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और लंबे वक्त का जो इंतजार था लोगों का, एक वक्त लोगों को मुश्किल नहीं नामुमकिन सा भी लगने लगा, हिम्मत भी हारे लोग, फिर आगे बढ़ी बात, फिर तमाम कानूनी कार्रवाई हुई, पूरा दांव पेच हुआ। क्या आपको उम्मीद थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी? देखिए 1990 में और 1987 के आसपास मैं बजरंग दल का पहला जिला संयोजक आगरा का बना। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण का आंदोलन उस समय चल रहा था। हम लोग दीवारों पर रात रात भर जाग जाग के, ठंड के मौसम में भी, ये युद्ध जो चल रहे हैं, लिखते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। तो उस समय का जो दौर था और उस समय का जो कालखंड था, मन में संकल्प तो था, लगता तो था कि एक दिन आएगा, राम जी का मंदिर बनेगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो समय अब आ जाएगा। और उस समय आ जाएगा जब हम जैसा एक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में है, एक सांसद के रूप में भी है, और वो एक भाजपा की इतनी बड़ी जो पार्टी है हमारी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसका किसान मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये अवसर हमें देखने को मिलेगा। और ये सब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो मजबूती से पक्ष रखा और उसके बाद फिर राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, तो यही समय है, सही समय है, ये माननीय मोदी जी ने कहा। तो एक दूरदृष्टा की जो बात होती है, क्योंकि मोदी जी का आप देखेंगे कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के समय के लिए जब वो प्रचारक थे, तब से लेके और अब तक 2014 तक उनकी भूमिकाओं को आप देखिए, यात्राओं से लेके, अडवाणी जी के साथ यात्राओं से लेके, गुजरात में आंदोलनों से लेके, लगातार उनकी जो भूमिका निरंतर चलती रही, और आज उसका परिणाम है, मैं तो रोमांचित हूँ, मेरे अंदर मेरा रोम रोम जो है प्रसन्न, और प्रसन्नता में मेरे पास ऐसे भाव नहीं होते कि मैं किन शब्दों में बयान करूं। लेकिन एक कार सेवक के लिए, एक बजरंगी के लिए, आज का दिन जो 22 जनवरी आने वाला है, मैं समझता हूं कि जीवन का अगर सबसे शानदार कोई कालखंड है या जो समय है, तो मेरे जीवन का तो यही है, और यही सभी देशवासियों का भी हाल है। तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अयोध्या में मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए माननीय मोदी जी जा रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं, उसके साक्षी बनेंगे, अपने गाँव में बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, और वो सब देखेंगे, तो ये एक रोमांचित करने वाला है। वहीं इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि एक नारा और हम लिखते थे उस समय पर, कि धारा 370 हटेगी या धारा 370 हटाओ। वो समय भी आया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृहमंत्री और नए भारत के लोह पुरुष श्री अमित शाह जी ने धारा 370 को पार्लियामेंट के अंदर समाप्त किया। तो आज वो समय हम देख पा रहे हैं, ये उस समय इतनी कल्पना हमने नहीं की थी, लेकिन मन में विश्वास था लेकिन भरोसा, मतलब कल्पना नहीं की थी, समय का अंदाज खुद देख पाएंगे समय, हाँ ये था कि पता नहीं ये समय हमारे जीवन काल में आएगा कि नहीं आएगा। उस समय हम 18-19 साल के हुआ करते थे, आज हम 55-56 में पहुंच गए, तो ये नहीं था कि भाई कब होगा ये, लेकिन मन में एक दृढ़ विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम जी का वनवास कितना लंबा चलेगा। तो वो 14 वर्ष का वनवास था, तब वो वापस आए, अब 500 वर्ष बाद ये एक जो समय आया है, पूरे देश में आप देखिए वातावरण,
मैं अभी भी रास्ते में आ रहा था, कितने लोग पैदल चलते हुए आ रहे थे। मैंने देखा सोशल मीडिया अकाउंट देखा, बातचीत करते नजर आ रहे। कितने वो मुझे एक जब मैं दिल्ली से लौट रहा था तो एक मुझे संत मिले, मैंने देखा वो जा रहे थे बड़ा झंडा लगा के मोटरसाइकिल पे, और मेरी दृष्टि उन पे गई तो नंगे पैर थे। इतनी भीषण ठंड में मोटरसाइकिल पे चलना नंगे पैर, तो उनके अंदर एक आत्मबल था। मैंने उनसे रुक के पूछा कि आखिर आपने जूते क्यों नहीं पहने। बोले साहब मैंने 4 साल पहले ही छोड़ दिए थे कि जब तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। तो इस प्रकार अभी भी देखिए रास्ते रास्ते भर पूरे देश भर से पैदल चल चल के लोग आ रहे हैं, उत्साहित हैं, ललायित हैं, कब राम जी के दर्शन करें, कब रामलला के दर्शन करें। तो ऐसा एक वातावरण पूरे देश और दुनिया के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए यहाँ आने। धन्यवाद, जय श्री राम।